घर में ही बनाए हुए बटर से बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट घी। घर में ही बटर बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट घी बनाएंगे। जो आप हमेशा डेली दूध लेते हैं उसकी मलाई निकालना, मार्केट से भी बढ़िया बटर बनाएंगे, छाछ बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया घी बनाएंगे। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, तो फ्रेंड्स रेसिपी पूरी देखिए। नमस्ते, प्रतिभा की रसोई में आप सभी का स्वागत है। हम सब जो डेली दूध लेते हैं, दूध को सभी गर्म करके रखते हैं। सुबह दूध गर्म किया तो शाम को देखिए अच्छी मलाई आती है, तब निकालिए। अगर आपने रात को गर्म किया है तो सुबह मलाई निकालिए, थोड़ी थोड़ी ही सही। ऐसे ही मैं रोज मलाई जमा करती हूँ, देखिए इतनी मलाई जमा हुई है। मलाई को थोड़ा गुनगुना गरम करते हैं, इसे ज्यादा गरम नहीं करना है। गुनगुने मलाई में ही दही डालते हैं, इसे रात भर दही जमने के लिए रख देते हैं। सुबह देखिए मलाई का दही जम चुका है। अब लेते हैं मिक्सी का बर्तन। बटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिक्सी का जूस बनाने वाला बड़ा वाला पॉट लिया है, इसमें अच्छा बनता है। इसमें डालते हैं आधा ग्लास पानी, 3-4 बर्फ के क्यूब्स डालते हैं, अच्छे से ढक्कन लगाते हैं। अब मिक्सी पर चलाते हैं, देखिए कितना अच्छा बटर आ रहा है। देखिए कितना बढ़िया बटर बना है, इसे निकालेंगे। बचा हुआ ऐसे ही बटर निकालेंगे, इसमें डालते हैं छाछ। बटर बनाते बनाते इतना छाछ निकला है, ये छाछ भी काम का है, आप इसे पी सकते हैं, ये छाछ की कड़ी बना सकते हैं। पूरा छाछ निकाल दिया है, अब बटर को अच्छे से धो लेते हैं। बटर को 2-3 पानी से अच्छे से धो लेना है। चम्मच को जो बटर लगा है इसे निकालते हैं। हाथ से ही अच्छे से बटर को धो लेते हैं, चम्मच से अच्छा धोना नहीं होता, हाथ से ही अच्छा धोना हो जाता है। स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए प्रतिभा की रसोई को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए मैंने बटर को 3 बार अच्छे से धो लिया है, पूरा छाछ निकल गया है, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बटर बना है। घर में बनाया हुआ एकदम फ्रेश बटर बना है। मेरे पास ये अमूल बटर का डिब्बा है, मैं इसमें निकाल के रखती हूँ। ऐसा फ्रेश बटर खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, पराठों के साथ सैंडविच बहुत ही बढ़िया लगता है। ढक्कन लगाकर इसे मैं फ्रिज में रखती हूँ,
ये महीने 15-20 अच्छे से धोकर तुलसी के पत्ते लिए हैं, थोड़ा नमक लिया है, जीरा लिया है, एक हरी इलायची ली है, गैस ऑन करके बटर रख दिया है। बटर को चलाते रहना है। देखिए बटर पहले थोड़ा पतला होता है, थोड़ी देर के बाद ये गाढ़ा आ जाता है। 3 स्टेप होती है, पहले पतला हो जाता है, बाद में गाढ़ा आ जाता है, फिर पतला होता है। अभी घी बन रहा है, गैस का फ्लेम कम ही रखना है। मैंने बटर निकाल के रखा था, देखिए बढ़िया फ्रेश बटर। बटर को प्लेट में निकालते हैं, देखिए डिब्बे को बिल्कुल चिपका नहीं है। बटर के स्लाइस करते हैं, देखिए कितना बढ़िया फ्रेश बटर। आप ऐसा बटर बना के पराठों के साथ खाइए, सब्जी बनाइए, जैसा आप चाहे, बहुत ही बढ़िया लगती है। ये जो हमने तुलसी के पत्ते, जीरा, नमक, इलायची ली थी, आधा चम्मच जीरा लिया है। इसे चकले पे बेलन से थोड़ा दरदरा कूटते हैं। जीरा के साथ ही तुलसी के पत्ते बारीक करते हैं। एक हरी इलायची तोड़ के डालते हैं, थोड़ा नमक डालते हैं, पूरा एक साथ कूटते हैं। देखिए बेलन से पूरा एक साथ दरदरा बारीक किया है। ये घी बन चुका है, इसमें कुछ नहीं डाला है, गैस बंद कर देते हैं। इसे बाउल में निकालते हैं। आप ये घी भगवान को दिया लगाने में यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग कुछ नहीं डालते ऐसा ही घी बनाते हैं। अगर आपको ऐसा बनाया हुआ घी पसंद है तो आप ऐसा ही बनाइए, लेकिन ये घी में खाने में स्वादिष्ट कम लगता है। बहुत ही स्वादिष्ट घी बनाना है तो गैस ऑन करते हैं, गैस का फ्लेम कम रखना है, घी को थोड़ा गर्म होने देते हैं। घी अच्छे से बना कि नहीं कैसे पहचानेंगे? पानी लेके घी में उंगली से पानी छिटकना है। देखिए पानी छिटकने के बाद ऐसा कड़कड़ आवाज आता है, तब समझ जाना कि घी अच्छे से हो चुका है। घी को स्वादिष्ट बनाने के लिए ये बनाया हुआ तुलसी के पत्ते का मसाला डालते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। आप ऐसे घी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट घी बनेगा। घी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं।
गैस बंद कर देते हैं। घी ठंडा हो चुका है, बाउल में निकालेंगे। आप ऐसे घी बनाएंगे ना, घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप ये घी खाने के साथ खाइए या इससे कोई पकवान बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। बहुत ही बढ़िया घी बना है। घी को मैंने डिब्बे में डाला है। गैस पर गर्म होने के लिए पानी रखते हैं। बटर के घी के बर्तन थोड़े चिपचिपे होते हैं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगी। पानी गर्म हो चुका है, इसमें बटर के घी के चम्मच डालते हैं। इसमें गर्म पानी में धो लेते हैं। ये पॉट, इसमें बटर बनाया था, देखिए गर्म पानी डालते ही इसका भी पूरा निकल गया है। ये प्लेट, इसमें बटर लिया था, देखिए इसका भी पूरा निकल चुका है। यही गर्म पानी घी बनाए हुए बर्तन में डालेंगे। देखिए पूरा चम्मच से ऐसे करेंगे तो पूरा निकल जाता है। बाद में इसे साबुन से घस लीजिए, पूरा साफ हो जाता है अच्छे से। दूसरे दिन देखिए घी कितना अच्छा जम चुका है, कितना अच्छा दानेदार घी बना है। देखिए कितना बढ़िया घी बना है। ऐसा घी बनाएंगे तो ये घी एक साल तक अच्छा रहता है। हमें घी रोज लगता है, डेली के खाने में लगता है, पकवान बनाने में लगता है, त्योहारों में तो ज्यादा ही घी लगता है। मैं हमेशा ऐसे ही घी बनाती हूँ। देखिए कितना दानेदार घी बना है। ऐसे ही मैं हमेशा घी बनाती हूँ। मैंने ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर की है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइए। आप भी ऐसा घी जरूर बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में स्वादिष्ट रेसिपी के साथ।